नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर आपका जोरदार स्वागत है। जो मिशन वेटिंग 2016 को लेकर के हम आगे बढ़े थे और लगातार संघर्ष करते रहे, संघर्ष के दम पे हम आगे बढ़े, वो सफलता मिली। हमारा एक ही नारा था, एक ही संदेश था कि विद्वान साथियों आप साथ देते चलो, जीत आपकी होगी और यदि हार होगी तो वो हार मेरी मानी जाएगी। आज जो अंतिम स्टेज थे इसके, माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री के द्वारा SLP वापसी की घोषणा के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटी थी, जो विभागीय प्रक्रिया थी, उसको जब हम 30 तारीख को जयपुर आए थे, उस फाइल को वहाँ से विदा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए मैं शुभ सूचना दे रहा हूँ कि आपका संघर्ष कानूनी रूप से उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। सरकार ने SLP विड्रॉ करने की एप्लीकेशन फाइल कर दी है और उसका प्रूफ हमारे वकील साहब ने हमारे पास भेज दिया है और हमारे सामने के वकील ने भी वो प्रूफ हमें सेंड कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी आपकी जीत है और इसके ऊपर कानूनी मोहर लग चुकी है। अब ये हियरिंग पे आकर के अगले 3 या 4 दिनों के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति है वो इसको मिल जाएगी। तो बड़ी सूचना यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के द्वारा SLP वापस लेने का जो एफिडेविट है वो पेश कर दिया गया है और एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। और इससे बड़ी सूचना आपके लिए शायद, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे पिछले 3-4 दिन से कि वीडियो आना चाहिए, वो इसी इंतज़ार में था कि कुछ आपको रिजल्ट तो दें जयपुर राउंड का और दिल्ली के प्रयासों का, वो आपके लिए सूचना दी जा रही है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी सूचना आप महसूस कर रहे होंगे। इसके अलावा और जो हमारा महिला प्रकरण चल रहा है SC ST OBC का, उसमें पिछले सप्ताह यानी 30 तारीख को हमारी आधे घंटे भर मीटिंग चली माननीय चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी से और चाकसू विधायक माननीय वेद प्रकाश जी सोलंकी की अगुवाई में हमारा डेलीगेशन मिला। मैंने पूरी कोशिश की प्रेजेंटेशन देने की और आधे घंटे तक जो भी हमारे रिटर्न प्रूफ थे वो सारे सचिव महोदय के सामने, चीफ सेक्रेटरी महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय के सामने रख दिए गए हैं। और एक हफ्ते बाद हमारी पुनः इस मामले में मीटिंग होगी। एक हफ्ते बाद बुलाया गया है कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, तो वो महिलाएं भी सकारात्मक रहें और स्टेज बाय स्टेज इस संघर्ष में साथ देते चलें। सफलता निश्चित है, संघर्ष जीतेगा, पीड़ा दूर होगी और झूठ के बादल छटेंगे और सच्चाई अपने आप को स्थापित करेगी। आपका फाइट फॉर राइट की ओर से एक बार पुनः धन्यवाद। और अक्सर हमारे वीडियो छोटे होते हैं क्योंकि जब तक अर्थ की जो चीज़, सार्थक जो चीज़ होती है वो आपको बता दी जाती है। और कभी भी हमने किसी को शेयर या सब्सक्राइब करने का नहीं बोला है, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि 826 कैंडिडेट अंग्रेजी के और ठीक उसके सहारे 878 कैंडिडेट हमारे साथी साइंस मैथ के ज्वाइनिंग करने की ओर बढ़ रहे हैं। उनके खिलाफ़ भी जो DB में दायर हुई अपील है वो स्वतः वापस हो जाएगी अगले हफ्ते तक, जो ही ये सुप्रीम कोर्ट का प्रूफ उनके पास पहुंचेगा। किसी भी प्रकार से दाएं बाएं के संघ महासंघ से विचलित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये फाइट, ये संघर्ष इतने कमज़ोर हाथों में नहीं है कि आप इस संघर्ष के स्टेज को, इस संघर्ष के मंच को छोड़ करके किसी और के पास जाएं। इसलिए सभी विद्वान साथियों से डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जो लोग आपको कहते थे कि SLP वापस नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं होगी, उनके लिए तमाचा है। और जो लोग फर्जी वीडियो डाल करके प्रदेश के बेरोजगारों को गुमराह करते थे, तो मैं आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। और जो सच्चाई का साथ हमारी इस टीम ने दिया है, माननीय सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सच्चाई का साथ दिया है, हम उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार बेरोजगारों के खिलाफ दायर हुई ये SLP वापस हुई है फाइट फॉर राइट के संघर्ष के दम पे। और जो छदम लोग बार बार प्रचार करते हैं फर्जी वीडियो डाल करके, उनको एक शिक्षा देने के लिए इस वीडियो को भी अब की बार पहली बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश भर में शेयर कर दिया जाए। आपके पर्सनली कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन आपने पिछले 4-5 दिन में रखे हैं उनका जवाब शाम के वीडियो में आपको दिया जाएगा। आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।